जनपद संभल की चंदौसी में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक बैठक कर सपा की जिला कमेटी का विरोध किया। जनपद संभल की चंदौसी में आज मुस्लिम समाज की एक बैठक FR रोड पर संपन्न हुई, जिसमें जनपद संभल में समाजवादी पार्टी की जिला कमेटी का विरोध किया गया। साथ ही नगर अध्यक्ष चंदौसी बैजोई व 31 विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष को मनोनीत किया गया। इस पर मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों ने एक राय होकर जिला अध्यक्ष द्वारा गठित नगर व विधानसभा क्षेत्र में गठित की गई कमेटी का विरोध किया गया। इस विषय में संभल लोकसभा सीट से सपा सांसद शफीकुर रहमान के चुनाव प्रभारी रहे फकरे आलम ने कहा कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है उनका अपना कोई भी बेस वोट बैंक नहीं है, इसलिए मुस्लिम समाज के लोग इनका विरोध जता रहे हैं। मेरा नाम फकरे आलम है। क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ समाजवादी पार्टी में माननीय सांसद डॉक्टर बर साहब का चुनाव प्रभारी हूँ और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता तनवीर कुरैशी खड़े हैं, मेरे बगल में पूर्व नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बबलू भाई खड़े हैं। आज मुस्लिम समाज के कुछ बुद्धिजीवियों ने हमें यहाँ पर बुलाया और हमसे उन लोगों ने कहा कि जनपद संभल समाजवादी पार्टी ने 31 विधानसभा क्षेत्र चंदौसी में जो विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया है, जो नगर अध्यक्ष चंदौसी बनाया है और जो नगर अध्यक्ष बहजोई बनाया है, वो तीनों का समाजवादी पार्टी में कोई बेस वोट नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है। जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने कहां से ये निर्णय लिया और किन के कहने पर किया, इसका मुस्लिम समाज के लोगों में रोष है। उसके बाद इससे पिछली जो कमेटी का जिक्र करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा, जो पिछले जिला अध्यक्ष थे उस कमेटी में जिले के महासचिव हरवीर यादव थे। आज जो जिला कमेटी बनी है उस पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, लेकिन आज ये कहते हैं तीनों ही मुस्लिम अध्यक्षों को दरकिनारा करते हुए, यदि वो लोग यादव या वैश्य समाज से ले आते तो हम ये मान लेते ये समाजवादी पार्टी का वोट है और ये लोग अपने उसमें नगर व विधानसभा में अपना एक स्थान रखते हैं। लेकिन मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने हमें ये अल्टीमेटम दिया है और ये कहा है कि आगामी जो मासिक बैठक समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर होगी उसमें समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने अगर कोई वहाँ शिरकत की तो वो ये समझे कि बहिष्कार, हाँ वो उस बैठक का बहिष्कार करे। और बहिष्कार वो ऐसे भी कर सकता है कि जिले की बैठक में भागीदारी नहीं करे। और यदि चुनाव के समय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब हमारे पास ये आएंगे कि ये समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, इसे नेताजी मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जी ने भेजा है, तो हम उन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की भी बात नहीं मानेंगे और हम एक नया फैसला लेकर किसी अच्छे व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे और समाजवादी पार्टी का विरोध करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से मुस्लिम बुद्धिजीवियों की जो बात है अपने बड़े नेताओं तक पहुँचाऊँगा, अपने सांसद विधायक जिला अध्यक्ष तक इस बात को कहूँगा कि चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक जन सैलाब मुस्लिम बुद्धिजीवियों का, जो समाजवादी पार्टी का हमेशा हितैषी रहा है, अचानक ये कौन सी कमेटी का आपने ऐसे लोगों को मनोनयन कर दिया जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनका कोई बॉस बैट नहीं है। आगे आगामी 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें हम किस मुँह से बुद्धिजीवियों के पास मुस्लिम जाएंगे और उनसे कहेंगे समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। मैं आपके माध्यम मोहम्मद अनीस कुरैशी। आज आप लोग एफआई इंटर कॉलेज में सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है? हाँ, मामला ये है कि चंदौसी विधानसभा चंदौसी शहर की कम्युनिटी है, समाजवादी पार्टी के गठन के बारे में जो बिल्कुल बहिष्कार किया गया है समाजवादी पदाधिकारियों द्वारा, उसके विरोध में यहाँ समाजवादी के तमाम जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी रहे हैं, जो खास व्यक्ति हैं, वो सब इकट्ठा हुए हैं अपनी पीड़ा को लेकर। तो वो पीड़ा ये है कि पिछले टाइम में भी संभल विधानसभा चंदौसी विधानसभा में मुस्लिम थे और चंदौसी नगर में भी मुस्लिम थे, बहजोई विधानसभा में मुस्लिम थे। आज की पोजीशन ये है कि तीनों जगहों से मुस्लिम समाज का बिल्कुल बाइकाट कर दिया गया है। तो ये पीड़ा है तमाम समाजवादियों की और इस पीड़ा को हम व्यक्त करते हैं। वैसे मैं जिस तारीख से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है 1990 से, तब से मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ
और मुझे तकलीफ है, और हमने कभी कोई पद की मांग नहीं करी, कभी कोई लालच नहीं करा, और बेलौज बिना किसी लालच के पार्टी की खिदमत की है, और पार्टी से हमें प्यार है, रहे और रहा है। तो आज जो ये कदम उठाया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा, तो इसकी पीड़ा है बहुत ज़्यादा, और मैं मुस्लिम समाज में पूरा विरोध है, और इस विरोध को हम दर्ज कराना चाहते हैं हाईकमान के, और हाई ज़रूरत पड़ी तो हम हाईकमान से मिलेंगे भी और अपनी बात रखेंगे। असीम अग्रवाल, समाजवादी पार्टी का वफादार पुराना कार्यकर्ता, आप अपनी क्या बात रखना चाहते हैं मीडिया के सामने? जिला अध्यक्ष श्री असगर अली अंसारी ने जो जिला संगठन में पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, बैजोई, चंदौसी विधानसभा, चंदौसी नगर क्षेत्र, तीनों की जाति बिरादरी का कितना वोट है, इन्होंने अपने बूथों पर कितना वोट पड़वा दिया, इसका आकलन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और क्या कहना चाहते हैं? मैं एक वैश्य जाति से हूँ, वैश्य जाति का ही बना देते, मुस्लिम और यादव समाज का 80% मुस्लिम और यादव समाज का वोट है इस विधानसभा में। मुस्लिम जाति का अगर पुराना रिपीट नहीं करना था तो नया कोई बना देते, मुस्लिम जाति से नगर अध्यक्ष बना देते, विधानसभा अध्यक्ष बना देते। और मैं समाज का वफादार कार्यकर्ता हूँ, पुनर्विचार हो, और 7 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं जिला अध्यक्ष महोदय के लिए, 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती तो इससे बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे और आला कमान से मिलेंगे।